Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is full adder using half adders. लास्ट टॉपिक में हमने हाफ एडर एंड फुल एडर के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दोनों को हम जस्टिफाई भी कर चुके हैं और हमने ये प्रूव किया है कि कैसे फुल एडर जो है दैट एड्स अ थ्री बाइनरी डिजिट्स नंबर, ठीक है, और जबकि हाफ एडर है वो सिर्फ दो बाइनरी डिजिट्स को ऐड कर सकती है एट ए टाइम, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस के कारण हम हाफ एडर को हर जगह यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें जो है वो फुल एडर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फुल एडर को कैसे हमने विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स बनाया था वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फुल एडर को विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर यूज कर सकते हैं कि नहीं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो द आंसर इज यस, हम फुल एडर को जो है वो हाफ एडर की हेल्प से भी बना सकते हैं, मतलब हाफ एडर के सर्किट जो है उसकी हेल्प से हम फुल एडर को डिजाइन कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रब दिस। जी, तो बेसिकली हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं द फुल एडर सर्किट कैन बी डिजाइंड यूजिंग टू हाफ एडर्स, ठीक है। अब हम इस फुल एडर सर्किट को दो हाफ एडर की हेल्प से भी बना सकते हैं, ठीक है। हमें पता है नॉर्मली फुल एडर जो सर्किट होता है उसमें तीन इनपुट्स लेते हैं हम और दो आउटपुट्स होती हैं हमारे पास। जो इनपुट्स होंगी दैट कैन बी ए बी एंड सी इन कैरी इनपुट, ठीक है, और जो आउटपुट आती है हमारी दैट इज सम एंड कैरी आउट, राइट। तो ये हमारे पास फुल एडर का सर्किट डायग्राम होता है, बट अब हम इसको विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर बनाएंगे। तो कैसे बनता है ये, हमें यहाँ पे दो हाफ एडर की जरूरत पड़ेगी, हाफ एडर वन जिसकी दो इनपुट्स होती हैं, वी नो दैट ए एंड बी, ठीक है, और इसके दो आउटपुट्स होती हैं सम एंड कैरी, राइट। अब हम क्या करेंगे, इस कैरी को बाहर ले जाएंगे और इस सम को दूसरे हाफ एडर की इनपुट बना देंगे। This is half adder two, ठीक है। इसमें भी इसकी जो फर्स्ट इनपुट है जो कि ए है वो हम फर्स्ट हाफ एडर की सम को ए के साथ कनेक्ट करेंगे, और यहां से जो थर्ड इनपुट है सी इन उसको हम इसकी सेकेंड इनपुट बनाएंगे दैट इज बी, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास सम आएगा और जो कैरी आएगा, अब जो फर्स्ट हाफ एडर का कैरी था और जो सेकेंड हाफ एडर का कैरी है, इन दोनों को और गेट के साथ अगर अटैच कर दें तो हमारे पास यहाँ पे कैरी आउट आ जाएगा जो कि फुल एडर की आउटपुट होगी, ठीक है, और ये वाली जो टर्म है दैट बिकम्स द सम ऑफ फुल एडर, ठीक। सो दिस इज बेसिकली ये जो सर्किट है, दिस इज अ फुल एडर सर्किट मेड बाय टू हाफ एडर्स एंड वन और गेट, ठीक है, ये फुल एडर सर्किट है कंप्लीट। अब इसको हमने डिजाइन किया है यूजिंग हाफ एडर्स, ठीक है, कितने हाफ एडर यूज हुए, वन एंड टू हाफ एडर विल बी यूज, ठीक है, और इसको प्रूव करना है हमने कि द आंसर इज ओके, कि ये जो हमने हाफ एडर की हेल्प से फुल एडर बनाया है ये जस्टिफाइड है और ये आंसर इसका सही आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आई होप आपने ये बना लिया हो। इसको डिजाइन करने के बाद हमारे पास नेक्स्ट, जी, अब हम इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए फुल एडर सर्किट कैन बी इंप्लीमेंटेड
using two half adders. Using two half adders and an OR gate. ठीक है, अगर हम उस हाफ एडर को, हाफ एडर का हमें पता है जो सर्किट होता है वो क्या होता है, उसका जो सम होता है वो एक्सओर गेट से, और हमारे पास जो उसका कैरी होता है वो एक एंड गेट होता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस वीडियोस में देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्किट जो है ये हाफ एडर का होता है। तो जो हमने अभी लास्ट में सर्किट बनाया उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको लॉजिक गेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो ये हमारा फुल एडर सर्किट बनाने के लिए कर रहे हैं ऐसा हम। जहां पे हाफ एडर लिखा था वहां पे हम उसकी जगह पे हाफ एडर का सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा ये सर्किट है ये हमारा फर्स्ट हाफ एडर है, दिस इज अ फर्स्ट हाफ एडर, और ये जो सर्किट होगा ये हमारा हाफ एडर टू का होगा। ठीक है, और ये जो फर्स्ट हाफ एडर की आउटपुट थी और जो सेकंड हाफ एडर की कैरी आउटपुट थी उसको हम और गेट के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिल सके वो सी आउट हो, और इसका जो हमारे पास ये आउटपुट आ रही है ये सम की होगी। ठीक है, और जो हमारे पास ये इनपुट थी ये हमें कैरी इन, और ये दोनों इनपुट्स तो ए एंड बी, तो दिस इज द फुल एडर सर्किट। इसको अब हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये आप दोनों तरह से डायग्राम आपको आने चाहिए, ये लॉजिक सर्किट की हेल्प से बनाए हुए हैं। ठीक है, और जो हमने पहले बनाया था वो जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम था फुल एडर सर्किट का यूजिंग टू हाफ एडर्स एंड एन ऑर गेट। अब हम इसको प्रूफ करेंगे, वी विल प्रूव दिस सर्किट। ठीक है जी, उसके लिए क्या करेंगे, ये डायग्राम बन गया है तो आप इसको यहां से मैं शुरू करने वाला हूं प्रूफ। अब हमें पता है कि जो सम होता है इन द फुल एडर सर्किट दैट इज बेसिकली ए प्लस बी प्लस सी इन। ठीक है, ये होता है, और जो हमारे पास सी होता है, जो हमारे पास कैरी आउट होता है या सी आउट होता है दैट इज ए एक्सोर बी सी इन प्लस ए बी, राइट। अब इसको जब हम ओपन करेंगे ये हमारे पास बेसिकली अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आ रही है ये, अब हम इस सर्किट को प्रूफ करेंगे यहाँ पे। तो वी विल प्रूफ, यहाँ पे मैं प्रूफ लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सी आउट पे हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो अगर हम यहाँ से देखें ए एंड बी इज गिवन टू द एक्सओर गेट, और हमारे पास यहाँ से आउटपुट आ रही है ए एक्सओर बी। ठीक है, और यही आउटपुट जो है ये आगे एंड गेट को भी दी गई है जो कि सी आउट बनाएगी हमें। तो यहाँ पे मतलब ये एक इनपुट है इसकी ए एक्सओर बी, और जो दूसरी इनपुट है वो है सी इन से ही, यहाँ से ओके यू कैन सी हेयर इस एंड गेट को आ रही है। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए एक्सओर बी मल्टीप्लाई बाय सी इन। ठीक है, और ये आगे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट थी ए बी, और ए बी जब इसके साथ एड अप हो गई तो हमारे पास सी आउट का एक्सप्रेशन बनेगा ए एक्स और बी मल्टीप्लाई बाय सी इन प्लस ए बी। ठीक है, ये सी आउट का एक्सप्रेशन है। ऐसे ही सम का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ए एक्स और बी
आगे हमें सी इनके साथ एक्सोर किया है तो हमारे पास सम का एक्सप्रेशन आएगा ए एक्सोर बी एक्सोर बाय सी इन। ठीक है, तो अब हम प्रूफ करने वाले हैं कि ये चीज जो है वो हमें वही आउटपुट देगी जो फुल एडर में होनी चाहिए, क्योंकि फुल एडर की हमारे पास जो सम होता है वो हमें पता है कि वो तो यही होता है ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन। ठीक है, वो हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और जो सी आउट की हमारे पास आउटपुट आनी चाहिए दैट इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इन प्लस ए सी इन, ये आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास सी इन की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, बट फुल लेटर की जो होती है वो ये होती है। अब हमने क्या प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू द एक्सप्रेशन ऑफ फुल लेटर सर्किट, ये हम प्रूफ करेंगे। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि दिस सर्किट इज ओके और फुल लेटर को हम हाफ एडर की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सम के बारे में लिखते हैं, तो सम तो दैट इज ऑलरेडी ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन। ठीक है, हेंस इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, बट जो हमारे पास कैरी सी आउट का एक्सप्रेशन है वो नोट डाउन करते हैं, दैट इज ए एक्सोर बी मल्टीप्लाई बाय सी इन प्लस ए बी। ठीक है, अब हम इसको ओपन करने वाले हैं, जो ए एक्सोर बी है उसका एक्सप्रेशन होता है ए बी बार प्लस ए बार बी सी इन ए बी, बाकी ऐसे ही रहने दिया। अब हम इसको ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को तो क्या होगा, दैट इज ए बी बार सी इन प्लस ए बार बी सी इन प्लस ए बी। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहां से देख सकते हैं कि ए बार बी सी इन ये वाली टर्म इधर ले आया हूं मैं। ठीक है, और जो दूसरी टर्म है ए बी बार सी इन, राइट, और हम इसको भी ये चीज लिख सकते हैं जो हमारे पास थर्ड टर्म है, इसमें हमने ऐड कर दिया वन प्लस सी इन, हमें पता है बिकॉज वन प्लस सी इन इज ऑलवेज वन। ठीक है, तो ये वन जो है इसकी जगह, मतलब इन्होंने यहाँ पे वन प्लस सी इन एड अप कर दिया, उससे क्या हो गया, इसको अब हम ओपन करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ए बी प्लस ए बी सी इन। ठीक है जी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब हम ये वाला एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन को देख सकते हैं, इसमें बी सी इन कॉमन है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बी सी इन को कॉमन ले लिया और हमारे पास अंदर आ गया ए बार प्लस ए। ठीक है, ए बार यहां से आ गया, ए यहां से आ गया। ठीक, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज लिख दिया, उसको नहीं अभी छेड़ा। ठीक है जी, अब हमारे पास ए प्लस, हमें पता है कि जो ए बार प्लस ए होता है दैट इज ऑलवेज वन। ठीक है, अगर ए जीरो है, ए बार वन है, तो जीरो प्लस वन इज वन, अगर ए वन है तो ए बार जीरो होगा वो दैट इज ऑल्सो वन। ठीक है, तो ये चीज हमें पता है कि दैट इज वन, तो इसको हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं बी सी इन प्लस ए बार ए बी बार सी इन प्लस ए बी, राइट। यहां तक आई होप आपको समझ आ गया हो, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है बी सी इन प्लस ए बी सी इन, आगे अगेन हम इसको ए बी को वन प्लस सी इन कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा ए बी बार सी इन प्लस ए बी प्लस ए बी सी इन। ठीक है जी, अब हम ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में देखें ए सी इन जो है दैट इज कॉमन। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी इन बार निकाल लिया और हमारे पास अंदर बचा बी बार प्लस बी, आगे हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, और हमें पता है जो बी बार प्लस बी होता है दैट इज इक्वल टू वन होता है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी। अब ये एक्सप्रेशन अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ फुल एडर सर्किट। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ये प्रूव किया था कि ये होता है हमारा फुल एडर का सी आउट,
ठीक है। और जो हमारे पास एक्सप्रेशन बन के आया था इस सी आउट का, इस फुल एडर सर्किट का, वो ये आया था, दिस इज इक्वल टू नाउ दिस। ठीक, सो हेंस प्रूव्ड, यू कैन राइट हियर, हेंस प्रूव्ड दैट फुल एडर कैन बी डिजाइंड बाय यूजिंग टू हाफ एडर्स एंड एन ऑर गेट, राइट। तो दिस इज बेसिकली फुल एडर सर्किट। जब भी आपको क्वेश्चन आएगा, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि फुल एडर को हाफ एडर के साथ बनाओ, तो ये डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम बना के उसके बाद हमने प्रूफ करना है कि कैसे जो हमारा कैरी आउट आ रहा है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, ये वाला दिस इज इक्वल टू दिस सी आउट, ठीक है जी। तो वो हमने प्रूफ किया और हमारे पास जो रिजल्ट आ गया दैट इज सेम बट वी वांटेड, ठीक है जी। तो दिस इज द बेसिक टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स, ठीक है। आपको डायग्राम बनाने आने चाहिए और उसको प्रूफ करना आना चाहिए। थैंक यू।